125 सीसी बाइक इंडिया में हमेशा से एक स्वीट एंड बेस्ट सेगमेंट रहा है बायर्स और मैन्युफैक्चर का, जिसमें इंडिया के अंदर बहुत ही कंपटीशन है आज भी। और हम आज एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जो कि अपनी रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है, हाँ जी होंडा। और होंडा की 125 सीसी में शाइन बाइक की तो बात ही अलग है, लेकिन एक और 125 सीसी में होंडा की बाइक हुआ करती थी, जिसे होंडा स्टनर के नाम से जाना जाता था इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल में। होंडा स्टनर को होंडा CBF 125 और CB120F नाम से जाना जाता था। यह होंडा की 125 सीसी वाली बाइक्स थी जो 2008 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। दोनों ही बाइक्स में कुछ डिफरेंट था। होंडा स्टनर, जिसे होंडा CBF 125 कहा गया, वो इंडिया में सेल हुई और ये एक सेमी फेयरिंग के साथ आती थी। दूसरी तरफ CB125F जो कि नेकेड बाइक स्टाइल में थी, ये पाकिस्तान और चाइना मार्केट के लिए होंडा ने बनाई थी। फिलहाल हम अपनी होंडा स्टनर AKA CBF 125 की बात करते हैं। तो जब ये इंडिया में लॉन्च हुई तो उस वक्त 100 सीसी की बाइक की डिमांड हुआ करती थी और मार्केट में बिगर बाइक्स को लेकर थोड़ा रुझान देखा जाने लगा था, यानी कि ट्रेंड आ गया था थोड़ी बिगर बाइक का भी। और 125 सीसी सेगमेंट, जैसे मैंने बताया, कि बेस्ट सेगमेंट होने लगा था इंडिया के अंदर, जिसमें वैल्यू और इकोनॉमी दोनों ही आपको मिलती थी। तो यहाँ पर होंडा ने एक चीज देखी कि इस सेगमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े पैसे और खर्च कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर पाने के लिए। और ऐसे ही फिर होंडा CBF स्टनर का जन्म हुआ 2008 के लास्ट में इंडिया के अंदर। होंडा CBF 125 थी स्मॉल कैपेसिटी और इकोनॉमिक बाइक, लेकिन इसकी स्टाइलिंग लुक्स एक बड़ी स्पोर्टी बाइक की तरह दिए गए थे, जैसे कि इसमें आपको गॉर्जियस शेप और रेसी लाइंस मिलती थी इसके बॉडी वर्क पर। और इसमें 6 स्पोक व्हील्स एलॉय व्हील्स थे, इंटीग्रेटेड टैंक काउल और बिग फ्यूल टैंक था, जिससे इसे बीफ पोस्चर मिले। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी स्पोर्टी स्टाइल के साथ दिया गया था और ब्लैक पाउडर कोटेड हैंडल बार, क्लच और ब्रेक लीवर्स, जिससे ओवरऑल स्पोर्टी फील आती थी। वरना इस सेगमेंट की बाइक्स में आपको क्रोम हैंडल बार मिलते थे, जो कि स्पोर्टी तो कतई नहीं लगते थे, वो एक अंकल टाइप वाली बाइक्स लगती थी, यानी कि थोड़ी सी क्लासी बाइक्स। साथ में इसकी स्पोर्टी फील को एनहेंस करने के लिए इसमें आपको स्टेप अप सीट मिलती थी। एंड शायद मेरे ख्याल से ये उस टाइम की पहली 125 सीसी बाइक होगी जिसमें ये स्टेप अप सीट दी गई थी। और इसकी पिलियन सीट के नीचे स्टोरेज बे भी था। वैसे अगर ओवरऑल कहें तो लुक्स के मामले में होंडा ने अपनी स्टनर के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसमें आपको डायमंड टाइप फ्रेम मिलता था और इसमें सीबी शाइन वाला 125 सीसी इंजन था, जो थोड़ा ट्यून करा गया था इसके लिए, यानी इसके स्पोर्टी नेचर को देखते हुए। और होंडा स्टनर का 125 सीसी इंजन 11 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। होंडा की CBF स्टनर में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता था और ये कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन दोनों वर्जन में इंडिया के अंदर आई है। और ओवरऑल बात करें इस बाइक की, तो ये एकदम ऑसम बिगिनर बाइक थी उस वक्त के लिए, जो कि आपके चेहरे पर स्माइल लाती थी जब भी आप इसका थ्रॉटल देते थे, क्योंकि इसे होंडा की सीबी साइन से थोड़ा स्पोर्टी रखा गया था हर नेचर में। और इसलिए ही होंडा स्टनर एक एंजॉयबल बाइक रही है। और उस वक्त इसकी माइलेज क्लेम करी जाती थी 60 किलोमीटर पर लीटर की, जो वाकई में लाजवाब थी ऐसी फील वाली बाइक के लिए। लेकिन इतना अच्छा पैकेज और बाइक होने के बावजूद ये इंडियन मार्केट से बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो गई। उसका रीजन हम आपको आगे बताएंगे जरूर। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि आप में से सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बाकी 90% जो लोग बचे हैं बाकी वो भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। होंडा CBF स्टनर 2015 में इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि होंडा को इसकी सेल्स में ड्रास्टिक फॉल दिखने लगा। 2015 के ईयर में हर मंथ इसकी 200-250 यूनिट्स ही सोल्ड हो पा रही थी, और ऐसा देख होंडा को इसे डिसकंटिन्यू करने में ज्यादा फायदा दिखा। इसकी सेल्स कम होने का मेन रीजन बताया गया 2012 में जब हीरो और होंडा की पार्टनरशिप का दी एंड हुआ, तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी इस कैटेगरी में कूदने के लिए तुरंत होंडा स्टनर का रीबैच मॉडल उतार दिया इंडियन मार्केट में हीरो इग्नाइटर नाम से, जिसकी वजह से दोनों की सेल्स में काफी क्लैश हुआ और स्टनर की सेल्स तो दिन ब दिन कम ही होती रही। इसलिए होंडा को 2015 में अपने स्टनर को रोकना पड़ा। वैसे होंडा की सीबी साइन 125 सीसी और सीबी यूनिकॉर्न काफी सही कर रही थी उस वक्त मार्केट में, और होंडा ने जब स्टनर को डिसकंटिन्यू करा उसकी वजह से हीरो इग्नाइटर का काफी फायदा हुआ, और इसलिए ही हीरो इग्नाइटर काफी लंबे समय तक इंडिया में रही। हीरो इग्नाइटर लुक्स में बिल्कुल सेम ही बाइक थी, बस कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ फीचर्स थे और इसके न्यू कलर स्कीम, बाकी इसमें आपको सेम इंजन स्टाइल वही होंडा स्टनर वाला मिलता था। बल्कि लोगों ने बाद में हीरो इग्नाइटर को ज्यादा पसंद करा होंडा स्टनर से। हीरो इग्नाइटर में आपको कुछ मॉडर्न टच मिलता था, जैसे हीरो की इग्नाइटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बैटर और फीचर लोडेड लगता था,
जिसमें आपको एनालॉग टैकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज सब मिलता था। और लोगों का हीरो के साथ एक देश की धड़कन वाली बात भी थी, इसलिए बहुत से कस्टमर्स ने हीरो इग्नाइटर को ही चूज करा। और इस तरह से होंडा स्टनर 2015 में डिस्कंटिन्यू हो गई। और कुछ सालों बाद हीरो मोटोकॉर्प को भी अपनी इग्नाइटर को डिस्कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि ये मॉडल अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका था। मतलब कि जितनी इसकी मार्केट थी उतने टाइम तक ये बिकी इंडिया में, लेकिन आज भी अगर देखें तो इसके अभी भी बहुत फैन होंगे, खासकर होंडा CBF स्टनर के, जिसे यूरोपियन, चाइनीज, सिंगापुरियन और मलेशियन मार्केट में भी बेचा गया था। और कुछ भी कहो, उस टाइम के हिसाब से होंडा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी ऑन पॉइंट थी कि एक ऐसी बाइक बनाई जाए जो माइलेज वगैरह या इकोनॉमी वाइज एक 125cc वाली बाइक हो, पर दिखने में वो फुली स्पोर्टी फील दे, जिससे यंगस्टर को कैच कर सके। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहा है होंडा स्टनर और हीरो इग्नाइटर के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।